शॉर्ट नहीं, ठीक है। चेन शॉर्टनिंग की हमारे पास एक मेथड होती है, हम उसे बोलते हैं क्या, वैसे तो कई मेथड हैं बट हम जो सबसे ज्यादा पढ़ते हैं उसे बोलते हैं रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, RUFF। ओके, तो हेड लगा लेंगे द रफ डिग्रेडेशन, रफ, ठीक है, किसी का नाम है डिग्रेडेशन। ठीक है, रफ डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन ये है, ठीक है। ओके, चलिए अब देखिए, हम हमेशा ये करना है, हमें एक कार्बन की चेन दी होगी, कोई भी एल्डोज कीटोज ये सब दिया होगा, और हम उसे कहाँ कन्वर्ट करेंगे, उसकी चेन की लेंथ को शॉर्ट कर देंगे, ठीक है, एक कार्बन उसमें कम कर देंगे। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, एक कार्बन को बढ़ा रहे थे, नाउ एक कार्बन को हम क्या करने वाले हैं, अब कम करने वाले हैं, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो, एक दो लाइनें इसमें लिखो, इट इज, लिखिए बच्चों, इट इज ऑपोजिट ऑफ फिशर किलानी सिंथेसिस। ऑफकोर्स ऑपोजिट तो है ही, अपोजिट प्रोसेस या मेथड या प्रोसेस लिख सकते हो, ठीक है, इट इज ऑपोजिट ऑफ फिशर किलानी सिंथेसिस, ठीक है, लिखिए, बाय रफ डिग्रेडेशन एनी एल्डोज चेन शॉर्ट बाय वन कार्बन, एनी एल्डोज चेन शॉर्ट बाय वन कार्बन, ठीक है। आप क्या करोगे, एल्डोज की चेन को एक कार्बन से क्या कर दोगे, कम कर दोगे, मीन्स हेक्सोज विल बी कन्वर्टेड इनटू, हेक्सोज कहां कन्वर्ट होगा बताइए, पेंटोज, हेक्सोज मतलब सिक्स कार्बन, पेंटोज मीन्स फाइव कार्बन, तो हेक्सो लिखो, इट मीन्स हेक्सोज विल बी कन्वर्टेड इनटू पेंटोज, और पेंटोज कन्वर्टेड इनटू कहां, टेट्रोज, कहां होगा, टेट्रोज में, ठीक है। तो आप हेक्सोज को पेंटोज में कर सकते हो, पेंटोज को टेट्रोज में कर सकते हो, तो क्या होगा, चेन की लेंथ क्या होगी, एक एक कार्बन से धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, इट्स क्लियर ना, ठीक है, समझ में आई बात, ओके। चलिए तो अब हम देखते हैं, हम एक काम करते हैं, अपना एक कंपाउंड ले लेते हैं, कोई भी रैंडम उठा लेते हैं, सपोज मैंने ले लिया, सपोज क्या, ग्लूकोज, ठीक है, क्या ले लिया मैंने बच्चों, चलो ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप सभी को आता है, दिस इज CHO OH H OH OH एंड CH2OH, ये देखिए क्या है आपका, है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। सबसे पहले हम इसे ऑक्सीडाइज करेंगे, कहाँ, एसिड में, ठीक है, तो ऑक्सीडाइज करने, देखो ग्लूकोज तो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ना यार, तो आप इसमें वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल सकते हो, सपोज आप इसमें Br2 वाटर डाल दिया, क्या डाल दिया आपने, Br2 वाटर, तो ये एल्डिहाइड जो ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा लोग कहाँ, एसिड में, यस, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, लाइक दिस, ये लीजिए, ठीक है, तो ग्लूकोज कहाँ कन्वर्ट हो गया बच्चों, एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब हम इस एसिड में क्या करेंगे, किसी कैल्शियम सॉल्ट के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे, जैसे सपोज जैसे हम ले सकते हैं इसमें COCa3, है ना, COCO3, चलिए कैल्शियम सॉल्ट के साथ ले लीजिए, CaCO3, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन जाएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन, ये लीजिए, ठीक है, क्या बन गया, कार्बोक्सिलेट आयन। आप चाहो तो इसके यहाँ पर ऐसे टू लगा के या ऐसे करके यहाँ CA का हाफ लगाना पड़ेगा ताकि बैलेंस करके दिखाओ, इसलिए मैं यहाँ पर दिखाई नहीं रहा हूँ, ठीक है, इसलिए यहाँ पर दिखाई नहीं रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं है आपका ऐसे अलग से दिखाने की, शो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उसके बिना भी आपका काम चल सकता है, यस, ठीक है। नाउ अब हम क्या करेंगे, कार्बोनेट आयन बन गया है, ठीक, कार्बोक्सिलेट आयन, अब हम इसमें से क्या करेंगे, इसका किसी Fe3+ वाले कंपाउंड से Fe2SO4 का होल थ्राइस के साथ रिएक्शन करा लीजिए, Fe3SO4 का होल थ्राइस H2O2 के साथ, ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ से CO2 को एलिमिनेट कर देगा, माइनस ऑफ CO2 कर देगा, ठीक है, क्या कर देगा, माइनस ऑफ CO2, और अब जो रिमेनिंग पार्ट है आप उसको ऐसे ही बना देंगे, ठीक है। देखिए ये इसके CO के निकलते ही क्या हो गया, कार्बन कम हो गया ना, अब जो बचा हुआ है आप उसको सिंपल सिंपल ऐसे ड्रॉ कर लेंगे,
CH2OH, ये लीजिए। ठीक है, तो देखा आपने कैसे कन्वर्ट हो गया है ना। तो यहाँ पर जो चीज था यहाँ पर क्या था, हेक्सोज 1 2 3 4 5 6, तो क्या है आपका हेक्सोज। यस, ठीक है। और ये क्या है हमारा बच्चों, 1 2 3 4 5 पेंटोज। क्या है? पेंटोज। क्लियर है? तो देखा आपने ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, इस कार्बन के लेंथ को शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, छोटा कर सकते हैं। अब इनका भी स्टेप देख लीजिए, कुछ नहीं करना आपको। सबसे पहले क्या करना है, एल्डिहाइड दे रखा है तो उसको ऑक्सीडाइज कर देना है, एसिड में कन्वर्ट करना है। कैल्शियम कार्बन के साथ रिएक्शन करा के करना है, सॉल्ट बना देना है। उसमें आपने क्या डाल देना है, CO2 उड़ा देना है, Fe3SO4 का होल्थराइज H2O2 के साथ डाल के क्या कर देना है, पेंटोज में अगेन कन्वर्ट कर देना है। यस, ठीक है, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इतना आसान ही है, ज़्यादा नहीं है। ओके, ठीक है। अगर आप चाहो तो किसी बुक में आपको थोड़ा सा और डिटेल में दिया हो सकता है, इन स्टेप्स को यहाँ पर डिफाइन करके दिखाया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए एक बार करके इसको भी नोट कर लीजिए, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और जो मैं अब करके दिखा रहा हूँ आप इसको भी कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा यहां से, माइनस ऑफ CO2। H2O2 और साथ में डालना है आपको Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये कहां कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए COOH, नीचे वाला कार्बन कीटोज में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे उसके नीचे जो आपका है बचा हुआ वो हमारा H सच रहेगा, लाइक दिस। ठीक है, ओके। अब यहां से क्या होगा, CO2 निकल जाएगी और ये जो बचा हुआ लास्ट कार्बन है कहां कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस ऑफ CO2। ठीक है, यहां से CO2 को एलिमिनेट कर देना है, H जो है कार्बन चिपक के कुछ बना लेगा ऐसा लाइक एल्डिहाइड। ठीक है, और यहां को H सच उतार दीजिए, HOH OH H CH2OH, देख लीजिए। ठीक है, तो ये भी क्या बन गया आपका, पेंटोज बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अब आपकी जिस आपको जो इच्छा उसे कन्वर्ट करिए। ठीक है, आप हेक्सोज को पेंटोज में कन्वर्ट कीजिए, आप पेंटोज को टेट्रोज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बिल्कुल एज इट इज। ठीक है, मैं उसको भी एक चलो करके दिखा देता हूं, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है, क्या करना है, हेक्सोज को पेंटोज में कन्वर्ट कर देना है, सॉरी पेंटोज को टेट्रोज में करते हैं। चलो, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका पेंटोज। ठीक है, इसे कहां कन्वर्ट करना है, टेट्रोज में। तो आपको पता है सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको Br2 वाटर के साथ ट्रीट करना है। क्या हो जाएगा उससे, CHO जो है COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, रिमेनिंग पार्ट एच सच रहेगा, इसको नीचे को आपको बिल्कुल अनटच छोड़ देना है। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है। यस, ठीक है, देन उसके बाद फिर क्या डालना था हमें इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट, ये ऑक्सलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन अब हमें इसमें डालना है क्या, H2O2 के साथ Fe2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, COOH, नीचे वाला कार्बन कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोज में, और जो नीचे हैं उनको आप H सच छोड़ देंगे और ये जाएगा OH में। ठीक है, देन इसके बाद अब हमें और कुछ करना है यहाँ से, हाँ, माइनस ऑफ ठीक है, माइनस ऑफ CO2 करना, अच्छा H2 नहीं CO2, और ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डिहाइड OH OH अगेन OH H CH2
ये देख लीजिए क्या कन्वर्ट हो गया, देखो ये पेंटोज था, ये क्या आ गया टेट्रोज, क्या आ गया टेट्रोज, आप देख सकते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, चेन की लेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं, चेन की लेंथ को शॉर्ट भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं चेन इलोंगेशन, इसे बोलते हैं चेन शॉर्टनिंग। चेन इलोंगेशन के लिए कौन सी मेथड होती है, यस, हमारे पास कौन सी मेथड होती है चेन इलोंगेशन के लिए, फिशर किलानी सिंथेसिस, क्या होती है फिशर किलानी सिंथेसिस या किलानी फिशर सिंथेसिस, और इसके लिए हमारे पास होता है क्या रफ डिग्रेडेशन, ठीक है, और भी हो सकती हैं, रफ डिग्रेडेशन सबसे ज़्यादा कॉमन है, मोस्ट कॉमन है, तो इसलिए मैंने आपको इसे बता दिया। एग्जाम में आपको कई बार वो नाम से पूछता है और नाम मेंशन ना करे तो आपको सिंपल लिख के दे देगा क्या चेन शॉर्टनिंग की कोई एक मेथड बताइए, तो आप इसको आराम से आकर बता सकते हो, इसके स्टेप्स भी बहुत ईजी हैं, ठीक है, इतना कोई लंबा ट्रीटमेंट नहीं करना रिएक्शन को, क्लियर हो गया।